Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 1st, subject maths, chapter number 1 and its lecture number 13. Today, we are going to start our next topic, that is EQUAL equal and UNUQUAL equal and unequal. Equal means same and unequal means not same. आज हम next topic start करेंगे जिसका नाम है equal and unequal. Equal का mean same same, एक दूसरे जैसा, और unequal means not same, means एक दूसरे से क्या है वो बिल्कुल अलग है. You can see here, so the mangoes are, we are measuring the mangoes, that we have put three mangoes on one side and three mangoes on the another side. That means the number of mangoes that the on the left and right side is equal, is same. The three mangoes is on the left side while the three mangoes are on the left side, and the number of the mangoes are same. So we can say 3 is equal to 3. You can see here the number of the mangoes are same on the left and the right side. Aap yahan dekhenge ki ek beam balance means taraju, jis pe left hand side mein bhi 3 mangoes hai aur right hand side mein bhi 3 mangoes hai. मतलब जो मैंगोज़ के नंबर है, मतलब लेफ्ट साइड पे भी 3 मैंगोज़ है और राइट साइड पे भी क्या है, 3 मैंगोज़, दोनों क्या है सेम. तो हम कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3. यू कैन सी हियर द साइन इन द बॉक्स, दैट इज टू पैरेलल डैश. दिस इज द साइन ऑफ सिंबल ऑफ द इक्वल. आप देखेंगे कि पिंक बॉक्स के अंदर जो दो डैश दे रखे हैं साथ में, वो किसका सिंबल है, इक्वल का, EQUAL इक्वल का सिंबल है. अगर कोई चीज़ सेम होती है तो हम उनके बीच में क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन. जैसे हमने 3 और 3 के बीच में क्या लगवाया है, इक्वल का साइन. दैट मीन्स 3 और 3 नंबर क्या है, एक जैसे है या सेम है. नेक्स्ट इज यू कैन सी on the left hand side there are 3 mangoes while on the right hand side there are only 2 mangoes. So this is are not equal, the number of mangoes is not equal, so is not the same. So 3 is not equal to 2. And what is the symbol of not equal, that 2 parallel dash and we cut this dash, this is not equal. Means we cut the sign of the equal, this is the symbol of not equal. आप देखेंगे कि जो beam balance है हमारा, जो तराजू है, उस पर एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 mangoes हैं जबकि राइट हैंड साइड में 2 mangoes हैं. तो 3 और 2 क्या सेम होते हैं, नहीं. तो इसको हम कहेंगे not equal या unequal. मतलब दोनों एक जैसे, जो नंबर दे रखे हैं 3 और 2 दोनों एक जैसे नहीं हैं. जो नंबर है मैंगोज़ के वो क्या अलग अलग, एक साइड पे 3 और एक साइड पे 2. तो क्या 3 और 2 सेम होता है, नहीं. सो इसे हम कहेंगे अनइक्वल. और अनइक्वल का साइन क्या होता है, जो हमने इक्वल का साइन लगाया था दो डैश, उसको हम क्या करेंगे, छोटा सा ऐसे बीच में से कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अनइक्वल का साइन. Let's do the exercise. The exercise is 1.6 and the first question is put the sign of equal or not equal. What you have to do, you have to put the sign of equal and not equal in between the digits. आपको नीचे digit दे रखी है, इसके बीच में equal और not equal का sign लगाना है. So the first is 27 27 27 dash 27 27. That means both digits are same, so we will put the sign of equal. First, आपके दे रखा है 2727 dash 2727.
27 और 27 दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे है, इक्वल है, तो हम बीच में किसका साइन लगाएंगे, इक्वल का, जो क्या है डबल डैश। सेकेंड 5656-7474, डज दिस नंबर 56 एंड 74 इज सेम, नो दे आर नॉट सेम, सो वी विल पुट द साइन ऑफ नॉट इक्वल, दैट इज डैश एंड कट द डैश। पहले हम दो डैश बनाएंगे, इक्वल का साइन बनाएंगे, फिर उसे हम कट कर देंगे, तो 56 और 74 इक्वल एक जैसे नहीं हैं, दोनों अलग अलग नंबर है, इस वजह से हमने नॉट इक्वल का साइन लगाया या अनइक्वल का साइन लगाया। नेक्स्ट इज 1515-1919, इज दिस नंबर्स आर इक्वल, नो दीज आर नॉट इक्वल, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल। 15 और 19 दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है, इसलिए हम बीच में अनइक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 3535-3535, नाउ हियर दी बोथ द डिजिट आर सेम, बोथ द नंबर्स आर सेम, सो वी विल पुट द साइन ऑफ इक्वल, दोनों डिजिट नंबर क्या है, सेम है, 35 और 35, तो हम बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 9292-2929, यू कैन सी दिस बोथ बोथ दिस नंबर्स आर नॉट सेम विथ ईच अदर, सो वी पुट द अनइक्वल साइन। 92 और 29 दोनों क्या है, सेम नंबर्स नहीं हैं, तो हम बीच में क्या लगाएंगे, अनइक्वल का साइन। नेक्स्ट इज 3939-3939, यू कैन सी हियर द बोथ द नंबर्स आर सेम, सो वी विल पुट द साइन ऑफ इक्वल, दोनों नंबर्स क्या है यहाँ पे, सेम है, 39 और 39, तो हम बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 96-57, बोथ डिजिट आर डिफरेंट, 96 इज डिफरेंट फ्रॉम द 5757, बोथ आर नॉट सेम, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल बिटवीन दैम। नेक्स्ट इज 7777-7676, डू दिस डिजिट्स आर सेम, नो दे आर नॉट, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल, तो 77 इज नॉट सेम लाइक द 76, 77 और 76 दोनों सेम नहीं हैं, तो हम बीच में अनइक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 56-70, दैट मीन्स 56-70, दिस नंबर्स आर नॉट सेम विथ ईच अदर, सो वी पुट द अनइक्वल साइन, दोनों डिजिट क्या है, अलग अलग है, 56 और 70 दोनों क्या है, अलग अलग, सो हम बीच में अनइक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 77-7474, दैट मीन्स 77 इज डिफरेंट फ्रॉम द 74, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल। 87-87, दैट मीन्स 87-87, सो यू कैन सी हियर द 87 एंड 8787 बोथ आर सेम नंबर, सो वी विल पुट द डैश साइन हियर। नेक्स्ट इज 66-89, दैट मीन्स 66-89, बोथ द नंबर 66 एंड 89 इज डिफरेंट एंड इज नॉट सेम टू ईच अदर, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 66 और 89 सेम डिजिट नहीं है, तो हम बीच में अनइक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 6868-6868, दैट मीन्स 68-68, बोथ आर सेम नंबर, यू कैन सी हियर, सो वी पुट द साइन ऑफ इक्वल। नेक्स्ट 2929-3131, दैट मीन्स 29 एंड 31 इज नॉट सेम विथ ईच अदर, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल, 29 और 31 दोनों क्या है, सेम नहीं है, तो हम बीच में अनइक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज 95-26, दैट मीन 95-26, बोथ आर नॉट सेम, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल। एंड लास्ट इज 179, दैट मीन्स 179-197, दिस बोथ आर नॉट सेम नंबर, सो वी विल पुट द साइन ऑफ अनइक्वल। 179 और 197 दोनों क्या है, आपस में अलग अलग है नंबर, तो हम बीच में अनइक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फॉर इच नंबर इन रेड सर्कल द इक्वल नंबर, दैट मीन्स
The numbers are given here and you have to choose the same number among the other numbers. आपको जो रेड कलर का फर्स्ट बॉक्स में आपको रेड कलर के नंबर दे रखे हैं, आपको आगे कुछ नंबर दे रखे हैं, उसमें से सेम नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है. लाइक फर्स्ट इज 27 एंड द नंबर्स गिवन आर हेयर इज 18 1 8 18, 2 7 27, 3 3 33, 2 4 24 एंड 6 9 69. सो विच नंबर इज सेम और विच नंबर इज इक्वल टू द 27, दैट इज 27. सो वी विल पुट द सर्कल ऑन द सेकेंड नंबर 27. आपको यहाँ पे फर्स्ट में 2 7 27 डिजिट नंबर दे रखा है, फिर आपको आगे कुछ 5 डिजिट दे रखे नंबर्स दे रखे हैं, जिसमें से आपको सेम 27 नंबर को क्या करना है, सर्कल. तो सेकेंड 18 के बाद क्या देखा गया, 27, तो हम उसको सर्कल करेंगे. नेक्स्ट इज 6 7 67. सो लेट्स सी, फर्स्ट इज 8 1 81, सेकेंड इज 5 4 54, थर्ड इज 6 3 63, नेक्स्ट इज 6 7 67 एंड द लास्ट इज 6 9 69. सो यू कैन सी हेयर आई हैव डन द सर्कल ऑन द सेम नंबर, दैट इज 67. सेकेंड हमारा 67 है, कुछ नंबर दे रखे जैसे 81 है, 54 है, 63 है, फिर 67 है और फिर लास्ट में 69 है. तो जो हमारा नंबर था 67, उसके जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सर्कल कर दिया, आपको भी ऐसे सर्कल करना है. नेक्स्ट इज 60 60 60. सो द नंबर्स गिवन आर हियर 5 6 56 7 8 78 6 0 60, 3 3 33 एंड 6 5 65. सो आई सर्कल द सेम नंबर 6 0 60. नेक्स्ट इज 5 2 52 एंड द नंबर्स आर 5 2 52, 1 2 12, 4 0 40, 3 0 30 एंड 1 5 15. सो मार्क द सर्कल ऑन द सेम नंबर. 7 3 73 एंड द नंबर्स गिवन आर हेयर 1 1 11, 8 8 88, 7 4 74, 7 3 73 एंड 3 7 37. सो द सेकेंड लास्ट नंबर इज द सेम, 7 3 73, सो मार्क ऑन इट. नेक्स्ट इज 1 0 3, द नंबर गिवन आर हेयर 1 1 1 111, 4 8 48, 1 3 4 134, 103 103 and 1 7 17. So the 103 is the second last number given, 103. So mark the circle on 8. Next topic is our comparing number, comparing, comparing, numbers, comparing number. Comparing means to measure the two things with each other. Like comparing का मतलब क्या होता है, हमारा next topic क्या है, comparing numbers. That means comparing का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में क्या करना, measure करना, या दो चीज़ों के आपस में तुलना करना, या दो चीज़ों के एक दूसरे से क्या करना, match करना, या देखना कि क्या एक दूसरे से एक जैसे है या दूसरे एक दूसरे से अलग है. तो हम नंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के इक्वल है या इक्वल नहीं है, या उससे बड़ा है या उससे छोटा है. जैसे आपके पास लाइक यू हैव 5 चॉकलेट्स, ओके, एंड योर अदर फ्रेंड हैज़ ओनली 4 चॉकलेट. सो यू कैन सी व्हेन यू कंपेयर you and your friend, you can see you have more chocolates. So this is the comparison. जैसे आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और आपके फ्रेंड के पास ओनली 4 चॉकलेट्स हैं, तो आप एक दूसरे से क्या करेंगे, आप एक दूसरे को देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा चॉकलेट है, किसके पास कम चॉकलेट है. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंपेयर करना, एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे को परख देखना किस आपने जब आप एक दूसरे को कंपेयर किया, एक दूसरे से तुलना की आपने, तो आपने देखा कि आपके पास 5 चॉकलेट है, दैट मीन्स आपके पास ज़्यादा चॉकलेट्स है और आपके फ्रेंड्स के पास ओनली 4 चॉकलेट्स है. लाइक अ मंकी इज गिवन हियर, ही इज सेइंग दैट हिज फ्रेंड क्रोकोडाइल, ग्रीन कलर क्रोकोडाइल,
always eat the always open his mouth towards the larger or bigger animals. जैसे यहाँ पे एक मंकी दे रखा है, वो कह रहा है कि मेरा एक फ्रेंड है क्रोकोडाइल जिसका नाम है क्रॉकी, वो हमेशा अपना मुंह बड़े जानवर की तरफ ही खोलता है. सो इन सेंस इट मीन्स दैट वी ऑलवेज कीप द माउथ ओपन टूवार्ड्स द बिगर नंबर. जब भी हम दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम हमेशा जो मुंह होता है, जो खुला जो मुंह होता है, उसको हमेशा किसकी तरफ खोलेंगे, बड़े नंबर की तरफ हमेशा खोलेंगे. जैसे यू कैन सी हियर अ काउ इज गिवन हियर एंड अ गॉट इज गिवन हियर. सो यू कैन चाइल्ड ऑफ काउ. सो यू कैन सी द मिस्टर क्रॉकी ऑलवेज ओपन इज माउथ टू वार्ड द बिगर एनिमल दैट मीन्स काउ. एक तरफ काउ दे रखी है, बड़ी वाली काउ, और एक तरफ काउ का बच्चा है. तो मिस्टर क्रॉकी जो क्रोकोडाइल है उसने अपना मुंह किसकी तरफ खोल रखा है, हमेशा बड़े एनिमल्स की तरफ. तो हम हमेशा जो साइन का जो सिंबल का जो मुंह है वो हमेशा किसकी तरफ खोलते हैं, बड़े नंबर्स की तरफ. जस्ट लाइक 8 and 5, सो विच वन इज़ बिगर, 8 नंबर इज बिगर दैन द 5, सो वी ओपन द माउथ टूवर्ड्स द 8. जैसे हमने 8 और 5 दो को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 8 नंबर, तो हम हमेशा मुंह किसकी तरफ खुला रखेंगे, 8 की तरफ. फिर लेफ्ट हैंड साइड में 5 नंबर दे रखा है और राइट हैंड साइड में 8 नंबर, सो हम हमेशा हमारा मुंह बड़े की तरफ खुला रखेंगे. यू कैन सी देर आर टू सम्स sorry two signs or the two symbols like arrow we use for the bigger and the smaller number. When the mouth is open towards the left we call that sign is greater than, like this. And when the mouth is open towards the right we said that symbol is smaller than. जब भी हम हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो साइन हम यूज करते हैं. जो ए लिखते हैं उसको हम जब हम उसको सीधा करेंगे तो देख सकते हैं दो साइन है यहाँ पे एरो जैसे. ओके, इसे हम यूज़ करते हैं नंबर्स को कंपेयर करने के लिए. तो अगर हमारा मुंह, अगर ये वाला साइन आपको नज़र आ रहा है जिसका मुंह लेफ्ट हैंड साइड में खुला है, तो उसे हम कौन सा साइन कहते हैं, बिगर देन या ग्रेटर देन. जबकि अगर कोई अगर ऐसा साइन दे रखा है जिसका मुंह राइट हैंड साइड की तरफ खुला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं लेस देन या स्मॉलर देन साइन. सो हम इन साइन को क्या करते हैं, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. फर्दर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन यू हैव टू डू दिस इन योर मैथ्स बुक विद अ पेंसिल एंड सेंड इट ऑन द स्कूल व्हाट्सएप नंबर बिफोर 9 o'clock. आपको ये वाला होमवर्क अपनी बुक में पेंसिल से करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है 9 बजे से पहले. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.